दोस्तों, पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मंजू। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हमारा जो टॉपिक है वो वर्णमाला है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे दो या तीन क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, जैसे CTET, UPTET आदि। तो आइए हम आगे हिंदी वर्णमाला के बारे में जानें। जैसा कि मैं आगे वीडियो में हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ, ईश्वर क्या है उसके वर्गीकरण के बारे में, अब हम आगे पॉइंट को बताएंगे। हमारा अगला पॉइंट है आयोग वाह। आयोग वाह गण जो होते हैं वो ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये स्वर और व्यंजन को जोड़ने का कार्य करते हैं। आयोग वाह वर्ण दो होते हैं, अंक अ। अंक जो हमारा होता है वह अनुस्वार होता है और अह जो हमारा होता है वह विसर्ग होता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में समझें, जैसे आयोग वाह का नामकरण किसने किया। तो दोस्तों, आयोग वाह का नामकरण किशोरी लाल वाजपेयी ने किया और इसे संगम नाम भी दिया गया है। और संगम नाम देने वाले कांता प्रसाद गुरु हैं, जिन्हें हिंदी का पाणिनी कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है व्यंजन, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आइए समझें कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन किसे कहते हैं, आइए बताते हैं हम आपको। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है, जैसे क, ख, ग। अगर आप क को अलग किया जाए तो क प्लस अ रहता है, जिसमें आ हमारा हर व्यंजन में छुपा होता है। व्यंजन में जो वर्ण होते हैं वो मूल वर्ण जो हमारे होते हैं वो 33 होते हैं, कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण, इसे अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन आप कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो व्यंजन का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पर्श व्यंजन। अब हम समझे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, किसे कहते हैं, आइए हम बताते हैं आपको। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष तालु, कंठ, मूर्धा, दांत या ओठ स्पर्श करते हुए निकले, वह हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। अथवा इसे स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन का मतलब होता है कि इसे कई वर्गों में विभाजित किया गया है।
तो आइए आगे हम समझें कि वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं। जैसे का वर्ग में हमारा क, ख, ग, घ, अंग होगा, जिसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वह हमारा कंठ होता है। और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ल, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, ना, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह दंत होता है। प वर्ग के अंतर्गत प, फा, बा, भा, मा, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह ओष्ठ होता है। और स्पर्शी वर्ण की जो संख्या होती है वो 25 होती है। इसके आगे हम अगला टॉपिक देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे चार होते हैं, य, र, ल, व। आइए अंतस्थ व्यंजन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हर परीक्षाओं में अक्सर ही पूछा जाता है। जैसे य और व, ये हमारे अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। अर्ध स्वर का मतलब होता है आधा। और र, र हमारा लुंठित वर्ण होता है। लुंठित का अर्थ होता है कि हमारी जो जीवा होती है वह तालु को स्पर्श करके लुढ़क जाए, उसे ही लुंठित वर्ण कहते हैं। जिस ये रा होता है, ल, ल पारवर्षिक वर्ण है। पार्षिक का अर्थ होता है कि जो हमारे ध्वनि होती है वह उच्चारण करते समय जिह्वा के बगल से निकलती है, जैसे ल। अब अगला हम देखेंगे ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन। ऊष्म अथवा संघर्षी के अंतर्गत स, ष, स, ह आदि। सा का जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है, जिसे हम बड़ा सा भी कहते हैं। और श्र का जो उच्चारण स्थान होता है यह मूर्धा होता है, जो हमारी जिह्वा दांत के सबसे मूल भाग को टच करके निकलती है। और श, स का जो उच्चारण स्थान होता है वह दंत होता है। ह, ह का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ अथवा स्वर यंत्रीय, जिसे हम कहते हैं, वहां से इसका उच्चारण स्थान होता है। अब आगे हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञा, स्र। अब आइए देखते हैं कि ये हमारे चार व्यंजन किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। तो हमारा छ जो होता है वह क प्लस श के मिलने से बना है। और क हमारा जो होता है वह आधा होता है। जैसे क में हमारा जो आ स्वर होता है वो नहीं होता है,
का में हलंत लगा होता है, क प्लस श, मूर्धन्य वाला श यहाँ पे रहेगा आपका। और त्र, त्र हमारा त प्लस र के द्वारा बना है, जिसमें ता हमारा आधा रहता है और र हमारा पूरा रहता है। और ज्ञा, ज्ञा के अंतर्गत ज प्लस य, तो ज हमारा रहता है वह आधा रहेगा, विसर्ग लगा रहेगा, सॉरी दोस्तों, ज में हलंत लगा रहेगा प्लस या। और श्र, श्र हमारा जो रहेगा वह श्र तालु वाला सा, जिसे बड़ा सा कहते हैं, प्लस र, और शा में हलंत रहेगा। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि किस वर्ण में हम हलंत लगाएंगे, तो संयुक्त अक्षर जब भी लिखा जाता है, जैसे उसको अगर कभी कभी परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि मतलब इसका विच्छेद क्या होगा, संयुक्त वर्ण का जो है वह किन वर्णों के योग से बना है, तो यहाँ अक्सर पहचानने में बहुत ही गलती होती है। तो यहाँ जो हमारा हलंत होता है वह सबसे पहले वर्ण में ही लगा होता है, जैसे छ आपको लिखना है तो क, क में हलंत रहेगा प्लस श, ये हमारा छ रहेगा। और यही प्रक्रिया आगे तीन वर्णों में भी लगेगी। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इस वर्ण का उच्चारण करते समय जो हमारी जीह्वा होती है वह मूर्धन्य भाग को टच करके बहुत ही जल्दी, जिसको हम कहेंगे कि एकाएक निकलती है, जैसे सड़क जो हमारा ड है वह तुरंत ही बाहर मूर्धन्य को टच करके आगे बढ़ता है। अब हमारा अगला पॉइंट है आगत या गृहित ध्वनियां। आगत या गृहित ध्वनियां, ये अरबी फारसी उर्दू शब्दों में ज्यादा ही प्रयोग होते हैं, जिसमें वर्ण के नीचे नुक्ता लगा होता है, जैसे ओ, खो, गो, जो, फ। अब हम आगे देखेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पे हमारे जो वर्ण है वो दो भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि घोषत्व का अर्थ क्या होता है। घोषत्व का अर्थ होता है कि हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन स्वर इंद्रियों में कंपन उत्पन्न होती है, जैसे आपका ग, घ, अंग। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे जो स्वर यंत्र हैं या स्वर तंत्री कहेंगे, उनमें एक प्रकार का कंपन होता है। तो घोषत्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, आघोष व्यंजन। आघोष व्यंजन, आघोष का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर यंत्रियों में किसी प्रकार का कंपन ना हो, तो इसके अंतर्गत हमारे प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा तथा खो, ह, श, श, ह, ये वर्ण आएंगे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, जैसे हम आगे बता चुके हैं कि वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आएंगे, जैसे का वर्ग के अंतर्गत
आपका क ख ग घ ङ ये आएंगे। तो प्रथम आपका क्या हुआ, क, ये आपका प्रथम हुआ, ख आपका दूसरा हुआ। तो इसी प्रकार आपके पांचों वर्ग के प्रथम और दूसरे अक्षर तथा नुक्ता के ख और फ प्लस उष्ण व्यंजन आपके श, श, स, ये आएंगे। अब हम दूसरा देखते हैं सघोष, इसे घोष व्यंजन भी कहते हैं। सघोष का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा ल, ल, जिसे हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, और आपके नुक्ता का जो ज होता है, ज, और य, र, ल, व, ह, और सभी स्वर इसके अंतर्गत आएंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर। आए दोस्तों, हम जानते हैं कि प्राणत्व किसे कहते हैं। तो प्राणत्व का अर्थ होता है वायु। जिस व्यंजन का उच्चारण हम वायु के आधार पर करते हैं उसे प्राणत्व व्यंजन कहते हैं। तो प्राणत्व व्यंजन हमारा दो प्रकार का होता है, नंबर एक अल्प प्राण और नंबर दो महाप्राण। आइए हम अल्प प्राण के बारे में जानते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे उच्चारण स्थान से कम वायु निकलती है, अथवा हम जिन वर्ण का उच्चारण करते समय कम वायु निकालते हैं उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण आएगा। पहले वर्ग का, जैसे आपका क वर्ग है पहला, तो इसमें जो पहला व्यंजन होगा वो आपका क होगा, और तीसरा आपका जो होगा वो आपका ग होगा, और पांचवा जो आपका होगा वो आपका अंग होगा, और अंतस्थ वर्ण आपके होते हैं य, र, ल, व, ये हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अब हमारा दूसरा है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि जिन वर्ण अथवा व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है वह हमारा महाप्राण व्यंजन होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का या प्रत्येक वर्ग में दूसरा, चौथा तथा ऊष्म वर्ण आते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का, हमने आपको पहले बताया कि जो हमारे वर्गीय व्यंजन है उसमें से जैसे पहला वर्ग हम देखेंगे तो हमारा पहला वर्ग क वर्ग है, तो क वर्ग में हमारा जो दूसरा व्यंजन है वह है हमारा ख, और चौथा हमारा है घ, तथा ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो हमारे हैं श, श, स, ह, ये हमारे चार ऊष्म वर्ण होते हैं, ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अब नासिक वर्ण, नासिक वर्ण जो हमारा होता है वह प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है। पहले तो हम
ये जाने कि नाशिक का मतलब क्या होता है। नाशिक का मतलब होता है कि हम जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से हमारी आवाज अथवा वर्ण का उच्चारण हो उसे हम नाशिक वर्ण कहेंगे। तो हमारा जो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है वह जैसे अंग, इय, ड, ना, म, ये हमारे नाशिक वर्ण होंगे। अब अगला पॉइंट हमारा कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अथवा हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम कंठ से ध्वनि को निकालते हैं उसे कंठी व्यंजन कहते हैं। कंठ के अंतर्गत हमारा क, ख, ग, घ, अंग और आपका एक ह भी आएगा। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन का मतलब होता है कि हमारी जिह्वा उच्चारण करते समय ऊपर के ताल को टच करके निकले तो वह हमारा तालव्य व्यंजन कहता है। जैसे आप उच्चारण करिए च, छ, ज, झ, फ्र और य, इन वर्णों का उच्चारण करते हमारे जो जीवा वह हमारे ऊपर के ताल को टच करती है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन का मतलब होता है कि हमारी जो जीवा होती है वह इन वर्णों को उच्चारण करते समय वह मूर्धा भाग को टच करके आती है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, 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 ष। जैसे जो हमारी जीवा होती है वह हमारी एक मूवमेंट, जैसे पहले तालू को टच करते हुए गोलाई लेते हुए मूर्धा को छूके आती है। अब हमारा अगला पॉइंट है दंत व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जीवा जो होती है वह दांत को टच करके निकलती है वह हमारा दंत व्यंजन कहलाता है। जैसे त, थ, द, ध, न, ल, श। अब अगला पॉइंट है हमारा वोष्टि व्यंजन। ओष्टि व्यंजन का मतलब होता है कि यह हमारे दोनों ओठों के द्वारा बोला जाता है। जैसे प, फ, ब, भ, म, फ। अगला हमारा पॉइंट जो है वो है दंतोष्टि व्यंजन। दंतोष्टि व्यंजन के अंतर्गत व आता है। दंतोष्टि का मतलब होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वह दांतों को और ओष्ठ दोनों को टच करते हुए निकलती है। इससे आप व का उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले जो जिह्वा होती है हमारी वह दांत को टच करते हुए फिर ओठ को टच करते निकलते से वाह। अब अगला पॉइंट है आपका स्वरयंत्री व्यंजन। स्वरयंत्री व्यंजन हमारा जो होता है वह हा होता है। हा का उच्चारण करते समय जो ध्वनि होती है वह कंठ या स्वरयंत्र जो हमारा होता है गले का वहां से निकलता है। जैसे ह, ये अंदर से निकलता है। जैसे ह कहेंगे तो हमारा जो मूल स्वर यंत्र होता है वहां से निकलता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं वर्णमाला का उच्चारण स्थान। दोस्तों हम वर्णमाला को एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताने जा रहे हैं जो अगर अच्छे से याद कर लिया जाए तो वह हर एग्जाम के लिए आसान होता है।
और यहाँ से अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको एक कविता के रूप में या ट्रिक के रूप में बनाया है। तो आइए देखते हैं। जैसे अ अ कह विसर्ग कंठ राम, ई यस भी है तालु राम, रिट रस से जानो मूर्धा जी, लिटस पुकारो दंत जी, ऊपा आते हैं ओष्ट में, केवल व दंतोष्ट में, ए ऐ कह कंठ तालु, ओ अ आता है कंठोष्ट में, नासिका से पांचवा अक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ। तो आइए हम बताते हैं कि इस ट्रिक का क्या मतलब है। तो अ अ क विसर्ग कंठ राम, अ अ क आपका जो अ है और अ मतलब छोटा और बड़ा, और जो का अर्थ होता है जो आपका क वर्ग है, क ख ग घ अंग, और ह और विसर्ग ये आपके कंठ के द्वारा बोले जाते हैं, और ई ई च य स ये हमारा तालु के द्वारा बोला जाता है। जैसे आपका जो ई ई स्वर है और च वर्ग है पूरा, च छ ज छ इय और य और श, ये आपका तालु के द्वारा बोला जाता है। जैसे जीवा जो हमारी होती है वह तालु को टच करते हुए निकलती है। और रिटरस से जानो मूर्धा जी, और जो हमारा री स्वर होता है और टा पूरा वर्ग होता है, ट ठ ड ढ ड और र और श, ये हमारे मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं, या इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह मूर्धा होता है। और लिटस जो हमारा ली ली हमारा तो एक प्रकार से जो संस्कृत में आते हैं स्वर वो होते हैं, हिंदी में तो इसको स्थान नहीं दिया गया है। ली और ल पूरा तावर्ग, तावर्ग का मतलब होता है त थ द ध न, और श ए हमारे दंत के द्वारा बोले जाते, इनका जो उच्चारण होता है वो दंत होता है। और उ उ प उ उ का मतलब होता है हमारा छोटा उ बड़ा उ, और पूरा पावर प फ व भ म, ये हमारे ओठ के द्वारा बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान होता है ओठ, केवल व दंतोष में। और आपका जो केवल वा वर्ण होता है वह आपका दंतोष मतलब द और ओट दोनों के माध्यम से बोले जाते हैं। और ए ऐ कह कंठ तालु, और ए ऐ जो होते हैं वो हमारे कंठ और तालु से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ तालु होता है। ओ औ आता है कंठोष्ठ में, ओ और अ जो हमारा होता है वह कंठोष्ठ के द्वारा बोला जाता है, मतलब जो कंठ से आती हुई ध्वनि ओठ को टच करते हुए बाहर निकलती है। नासिका से पंचमा अक्षर, नासिका से पंचमा अक्षर का मतलब होता है जो हमारे प्रत्येक वर्ग हैं, जो पांचों वर्ग हैं उनके जो पंचम अक्षर हैं, जैसे क ख ग घ का सबसे लास्ट अक्षर जो हमारा पंचम है अंगा, और दूसरे वर्ग का हमारा जो इया है, तीसरे वर्ग का जो हमारा ड है, और चौथे वर्ग का हमारा न है, पांचवें वर्ग का हमारा म, ये पांच जो पंचम अक्षर हैं ये हमारे नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। और जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में, और जब को खो गो ज फ इन वर्णों को उच्चारण करते समय जो हमारी जीवा होती वह प्रकोष्ठ में होती है।
आज का हमारा वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके आगे बताइएगा हमें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।